जय हिंद। देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ ही रहते हैं। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर की कहानी मुंबई के झुग्गियों में रहने वाले एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। वो अपने इलाके में शौच की सुविधा ना होने के कारण परेशान होता है। उनके इलाके में शौचालय ना होने के कारण लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को, शौच जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बात उस बच्चे के मन को व्यथित करती है। एक दिन शौच से लौटते समय उस बच्चे की माँ का बलात्कार हो जाता है। इस घटना का असर सिर्फ माँ पर ही नहीं बल्कि उसके बच्चे के दिलो दिमाग पर भी पड़ता है। बचपने और मासूमियत से भरा वो बच्चा अपने इलाके में शौचालय बनवाने के जिद पकड़ बैठता है। इसके लिए वो कई कोशिशें करता है ताकि अंत में वो अपनी माँ को खुश देख सके। वो बच्चा इस सपने को पूरा करने के लिए नगर पालिका ऑफिस जाता है, जहां उसे कहा जाता है कि उसे अपनी बात पत्र द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचानी चाहिए। फिर क्या, वो बच्चा निकल पड़ता है इस सफर पर और पीएम ऑफिस में जाकर किसी तरह से अपनी अर्जी देता है। देखिए, मैं सिर्फ चिट्ठी रिसीव कर सकता हूँ, बाकी तो सिस्टम के हाथ में। वो काम लेंगे। कौन? मिस्टर सिस्टम। इस फिल्म में बाल कलाकार ओम कनौजिया ने बच्चे कान्हू का किरदार निभाया है। इस फिल्म में बाल कलाकारों का काम आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। किस तरह से वो अपने डायलॉग्स कहते हैं और साथ ही उनके एक्सप्रेशंस काबिले तारीफ हैं। माँ का किरदार निभा रही अंजलि पाटिल का काम भी काफी बढ़िया है। जिस तरह से वो अपने किरदार में ढली हुई नजर आई, ये आपको इम्प्रेस जरूर करेगा। इसी तरह फिल्म में मकरंद देशपांडे भी अपनी भूमिका के साथ न्याय करते दिखे। फिल्म में वो स्थानीय निवासी की भूमिका में है। अपने शानदार म्यूजिक के लिए जाने जाने वाले शंकर एहसान लॉय की टिकड़ी ने इस फिल्म में भी म्यूजिक पर अच्छा काम किया है। फिल्म का टाइटल सॉन्ग और होली सॉन्ग काफी एंटरटेनिंग है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।